इस खबर की प्रस्तुत करता है स्ट्रॉन यूनिसेक्स सलोन, कचहरी रोड अजमेर, सलोन जो आपको देता है स्टाइल। मल्टीनेशनल कंपनी बाटा को शायद उपभोक्ताओं के हित की परवाह ही नहीं है। तभी तो पहले तो उपभोक्ताओं के हितों का हनन करती है, फिर जब कानून का डंडा पड़ता है तो उसके विरुद्ध भी पता नहीं क्या सोचकर अपील भी कर देती है। लेकिन जयपुर के उपभोक्ता मंच ने बाटा कंपनी की ऐसी एक अपील को खारिज कर दिया है और उपभोक्ता को उसका हक दिलाया है। राज्य उपभोक्ता आयोग ने कंपनी के प्रिंटेड बैग के उपभोक्ता से 2 रुपए वसूलने के मामले में बाटा इंडिया लिमिटेड की अपील को खारिज कर दिया है। आयोग ने कहा है कि बाटा कंपनी की ओर से 2 रुपए लेकर जो बैग उपलब्ध कराया गया उस पर कंपनी का लोगो और एसेसरी छपा हुआ था, जिससे स्पष्ट है कि कंपनी पेपर बैग का उपयोग अपने विज्ञापन के लिए कर रही थी। दरअसल छोटाला निवासी महेश पारिक ने 16 अप्रैल 2016 को छोटाला स्थित बाटा स्टोर से 399 रुपए में जूते खरीदे थे। कंपनी ने कीमत में 2 रुपए जोड़कर कागज के बैग में जूते का डिब्बा रखकर परिवादी को दे दिया। इस बैग पर विज्ञापन के उद्देश्य से कंपनी का नाम और लोगो छपा हुआ था, जिसे देखकर दूसरे लोगों ने भी इसी कंपनी के जूते खरीदे। परिवादी महेश पारिक की ओर से जिला उपभोक्ता मंच में परिवाद पेश कर कहा गया कि कंपनी जब बैग के रुपए वसूल रही है तो उसे सादा बैग ही दिया जाना चाहिए था। कंपनी ने एक तरफ बैग के बदले रुपए वसूल किए, वहीं दूसरी ओर परिवादी से बैग के माध्यम से अपना विज्ञापन भी कराया और अपनी बिक्री बढ़ाई, जिस पर सुनवाई करते हुए मंच ने गत 14 मई को कंपनी पर 10,000 रुपए का हर्जाना लगाया था। और इसी आदेश को कंपनी की ओर से आयोग में चुनौती देते हुए कहा गया कि प्लास्टिक के बैग बंद हो चुके हैं, ऐसे में कैरी बैग 2 रुपए में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सुनवाई के दौरान कंपनी की ओर से सादा बैग की जगह प्रिंटेड बैग देने का कोई कारण नहीं बताया गया, जिस पर सुनवाई करते हुए आयोग ने अपील को खारिज कर दिया और एक बार फिर बाटा कंपनी को झटका दे दिया।